सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं पिंकी अरोरा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी चीज जो हर इंसान हर साल एक बार जरूर बाहर से ऑर्डर करके मंगवाता है और वो है केक। गाइस, जब हम घर पर ही हेल्दी और मज़ेदार केक बना सकते हैं तो बाहर से ऑर्डर करके क्यों मंगवाएं? तो अगली बार जब भी आपके घर में किसी का जन्मदिन हो या सालगिरह तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये इजी और हेल्दी एगलेस चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। और इसके साथ ही आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स फॉर मेकिंग परफेक्ट केक, जिससे आपका केक स्पॉन्जी और फ्लफी बनेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा और हेल्दी केक घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ मैं और भी मज़ेदार रेसिपीज शेयर करती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ है मेरे पास 1 कप ऑफ मैदा, 1/4 कप ऑफ बटर, 1/4 कप पाउडर्ड शुगर, 1/4 कप ऑफ मिल्क, 1/2 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले आप एक बड़े बाउल में 1/4 कप ऑफ बटर या ऑयल, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा विस्क कर लीजिए। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क डाल दीजिए आप या 2 सर्विंग स्पून मेजर करके डाल दीजिए। नाउ मिक्स दिस वेल, इसको अच्छी तरह से बीट कीजिए। तो यहाँ है मेरा बेकिंग टिप नंबर 1। आपको केक बीट करते समय उसे कट एंड फोल्ड मेथड से बीट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मेथड से बीट करने से आपका केक सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि केक को आपको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है, लेफ़्ट साइड में बीट कीजिए या राइट साइड में, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपको। और अब यहाँ मैं डालने वाली हूँ मैदा, आप छन्नी से छान के मैदा डालिए, इससे केक में लम्स नहीं बनेंगे। दिस इज़ बेकिंग टिप नंबर 2। और यहाँ जाएगा 3 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और यहां मैं डाल रही हूं 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। आप इन चारों चीजों को छान के डालिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिए और साथ साथ केक को मिक्स करते जाइए। गाइज, आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा उतना ही लें जितना बताया गया है, इससे केक एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से आप धीरे धीरे मैदे का मिक्सचर इसमें डालते जाइए और केक के बैटर को बीट करते जाइए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं जो केक के लिए रिक्वायर्ड थे। अब इस मिक्सचर को सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ दूध। दूध को हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली डालना है, एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके आप दूध डालते जाइए और बैटर को मिक्स करते जाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा केक का बैटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, पर अभी इसको थोड़ा और सॉफ्ट और वेलवेटी करने के लिए मैं यहाँ इसको ब्लेंडर से बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो एग बीटर यूज़ कीजिए, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। हमारा बैटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इसकी पहचान ये है कि ऊपर से इसके बबल्स शो होने लगेंगे। आपको उतना बीट करना है और साथ ही साथ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। हमें इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। अब आप इसको बस मिक्स कर दीजिए, इसको अब आपको ज़्यादा बीट नहीं करना है। हमारा बैटर तैयार है, आप देख सकते हैं इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब बेकिंग टिन को ग्रीस करते हैं। ये है मेरे पास 6 इंच का बेकिंग टिन, अब आप इसको थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लीजिए किसी भी ऑयल के साथ। और इसमें लगा दीजिए बटर पेपर और बटर पेपर को भी थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। अब केक के बैटर को इस टिन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। टिप नंबर 3 ये है गाइस कि बेक करने से पहले आप टिन को 3 से 4 बारी टैप कर लीजिए ताकि इसमें से एक्स्ट्रा बबल्स या एयर निकल जाए। आज मैं इस केक को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ गाइस, तो कढ़ाई को पहले प्री हीट कर लीजिए और अब इसमें प्लेस कर दीजिए एक स्टैंड और इसमें प्लेस कर दीजिए बेकिंग टिन। और अब इसको कवर कर दीजिए किसी गहरे बर्तन के साथ ताकि इसमें से एयर ना निकल सके। और अब फ्लेम को कर दीजिए लो। अब आपको इसको लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए पकाना है। तो गाइस टिप नंबर 4 ये है कि अगर गैस का फ्लेम ज़्यादा हो तो केक ऊपर से क्रैक हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक बेक करने से भी केक हार्ड हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि लो फ्लेम पर आपको इसको 25 से 30 मिनट के लिए ही पकाना है। तो चलिए जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप क्रीम और उसमें मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून ऑफ आइसिंग शुगर, आप पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इनको मिक्स कीजिए। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए चिल्ड होने के लिए।
तो फ्रेंड्स, बेकिंग टिप नंबर 5 ये है कि जब कढ़ाई में केक बेक हो रहा हो तो 25 से 30 मिनट के लिए बीच में ओपन करके आपको नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही आप ओपन करते हैं उसमें ठंडी हवा चली जाती है जिसकी वजह से केक बीच से बैठ सकता है। दूसरी तरफ हमारे केक को बेक होते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसका कवर हटाकर इसको चेक कर लूँगी। आप किसी टूथपिक या स्क्यूअर से चेक कर सकते हैं। अगर आपका केक टूथपिक से स्टिक नहीं कर रहा है तो इट मींस आपका केक तैयार है। आप सेंटर से भी चेक कर सकते हैं, अगर ये स्टिक नहीं कर रहा है तो इट मींस इट्स रेडी। अब आप इसको बड़े ध्यान से केयरफुली इसको बाहर निकाल लीजिए और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, चलिए हम केक डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है एक कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप चॉकलेट के पीसेस को तोड़कर एक बाउल में डाल लीजिए और अब इसमें डालिए 2 से 3 टीस्पून मिल्क और इसको मिक्स करके इसको अब हम डबल बॉयलर में रख कर चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब आप इस बाउल को इस गर्म पानी में से निकाल लीजिए। चॉकलेट सिरप को एक पाइपिंग बैग में डालकर इसकी एक कोन तैयार कर लेंगे। और अब आप इस पाइपिंग बैग का एक्स्ट्रा पोर्शन काट कर हटा दीजिए और चॉकलेट सिरप को नीचे पुश करते हुए इसकी एक टाइट कोन तैयार कर लीजिए और ऊपर से रबर बैंड से लॉक कर दीजिए। तो लीजिए, हमारी कोन तैयार है और दूसरी तरफ हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम केक को अनमोल्ड कर लेते हैं। इसको अपसाइड डाउन करके आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए और ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अब आप इसका बटर पेपर बड़े आराम से निकाल दीजिए। मैं आपको इसको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ कि हमारा केक कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब आइसिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रिज में से क्रीम निकाल ली है। अब आप सबसे पहले क्रीम को केक के ऊपर पोर कीजिए और किसी स्पैटुला से इसको इवनली सारे केक पर स्प्रेड कर दीजिए। अब आप इस क्रीम्ड केक को 10 से 15 मिनट के लिए अगेन फ्रिज में रखिए और क्रीम को सेट होने दीजिए। हमारे केक को फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने केक को फ्रिज में से निकाल लिया है। क्रीम भी सेट हो चुकी है। तो चलिए केक की डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। अब चॉकलेट कोन को बहुत हल्का सा पॉइंट से कट कर लीजिए और पोर करके इसका फ्लो चेक कर लीजिए और इस तरह से अब आप पूरे केक पर लाइंस बना लीजिए। नाउ कीप वॉचिंग। गाइस, अगर कहीं बीच में लाइन छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बाद में ठीक कर लेंगे। आप बस लाइंस ड्रॉ करते जाइए।
और अब मैंने यहाँ पर बीच की जो लाइंस छूटी थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब आप एक स्क्यूअर या फिर टूथपिक से ऑपोजिट डायरेक्शंस में बीच में से इस तरह से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड देयर इट इज़। गाइस, एक बेकिंग टिप और आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर केक ठंडा हो जाने के बाद आपका केक बीच में से बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि केक कच्चा है। आप 5 से 6 मिनट के लिए ज़्यादा बेक कीजिए, क्योंकि हर एक के गैस की फ्लेम अलग अलग होती है, इसलिए टाइमिंग भी अलग अलग लगता है। तो देखा आपने गाइस कि कितना सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन फटाफट से बन गया है। अब आप भी बनाइए इस केक को और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन और प्यार हमें प्रेरित करता है कि हम आगे भी और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और बढ़िया रेसिपी के साथ। अप टिल देन, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।